नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो? और बताइए, किसने हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दिया था? कैसा रेस्पॉन्स रहा आप लोगों का? अगर मेरे चैनल से किसी ने दिया है तो कमेंट्स करके बताएं, और चैनल पर नए हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, बाद में शेयर मस्ट। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी वाज स्टेटेड, पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, ये किसका कथन है? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर रंगनाथन कमेटी का यह कथन नहीं है, कोठारी कमीशन सिन्हा कमीशन का भी नहीं है। इसका राइट आंसर है राधाकृष्णन कमीशन। डॉक्टर रंगनाथन ने कहा था विश्वविद्यालय पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, दो लोगों ने कहा था, एक किसी और ने भी कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए उपयोगी है या नहीं? उपयोगी है राइट आंसर, तो ये दो तीन ऑप्शन ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों की डिमांड आ रही है फ्रेंड्स, राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड पे बनाइए, तो देखता हूँ समय का अभाव है, कल या परसों से आप लोगों को राजस्थान की भी वीडियो दो तीन दिन में एक, और समय मिलता है तो डेली भी दे दूंगा। मेरा भरपूर प्रयास है, देखिए मैं कोई एप्लीकेशन नहीं बना रहा हूँ कि मैं आप लोगों से चार हज़ार रुपया मांगूं। मुझे पता है कि किस कंडीशन में रहते हैं बेरोजगार साथी, मैंने भी कई साल बेरोजगारी झेली थी, और हम तो 2000 के पास आउट हैं, तो हमें पता है कि हमारे समय पे किताबें भी नहीं मिलती थी, दिल्ली और कहाँ काम जयपुर भी गए हैं किताबों के लिए, अच्छी किताबें नहीं मिल पाई, सोच सर की एक दो किताब से हमने काम चलाया था। तो फ्रेंड्स, आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि सबका फ़ायदा हो सके। कोई पैसा मैं आप लोगों से नहीं मांगता हूँ कि भैया मैं ऑनलाइन क्लास चला रहा हूँ, दो क्वेश्चन यूट्यूब पे करा दिए, बाकी एप्लीकेशन के नाम पे आप लोगों से ठगी कर, और वही कुछ क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को बार बार लाइव या दूसरे तरीके से लोग करते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, लेकिन मुझे पता है कि क्या हालत होती है बेरोजगारी में, हर माँ बाप भी पैसे वाले नहीं होते कि बच्चों पे पैसा खर्च कर सके। तो बाद में हम नेट की भी क्लास चलाएंगे ऑनलाइन, है ना, लोग 9-10 हज़ार रुपया मांगते हैं नेट की क्लास के, लाइब्रेरी साइंस में 2000 से 5000 रुपये तक नवोदय विद्यालय का रेट चल रहा है। बिहार की अभी पोस्ट भी नहीं आ रही है, शोर मचा रखा है अपना सिर्फ यूट्यूब को बढ़ाने के लिए, बिहार लाइब्रेरियन। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मिस गाइड बच्चों को नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चों से मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सिलेबस के चक्कर में मत रहिए, बिहार का क्या है नवोदय का क्या है, आप लोगों को हर तरह का कॉम्पिटिशन देना, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तो पढ़ते रहिए, किसी भी यूट्यूब से पढ़िए, मैं अपनी ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेहनत कंटिन्यू करिए, किसी एक किताब या किसी एक यूट्यूब के भरोसे भी मत रहिए। पुस्तकालय का सही वर्गीकरण का प्रकार क्या है? तो पहली पब्लिक अकेडमिक पर्सनल तो होती नहीं है, राष्ट्रीय क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी भी नहीं होती है, पब्लिक स्पेसिफिक नेशनल भी नहीं होती, इसका सही है पब्लिक अकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन फोर्थ लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस, इम्प्लीकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, निम्नलिखित में से पुस्तकालय विज्ञान की चतुर्थ सूत्र का निहार्थ नहीं है पूछ रहा है। तो वर्गीकृत व्यवस्था है, स्टॉक रूम गाइड है, और फ्रेंड्स बुक इशू मेथड है, नहीं है तो रूरल लाइब्रेरी सर्विस इसका आंसर है, वो नहीं है।
अच्छा, डॉक्टर रंगनाथन ने फाइव लाउज जो लाइब्रेरी साइंस बनाए थे, कब पब्लिश हुए थे? बने थे 1928 में और पब्लिश हुए थे वो 1931 में। मैचिंग में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है। अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी ग्रोस? ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के असीमित बढ़ोतरी को दर्शाता है? तो तीसरा भी नहीं दर्शाता है, सेकंड भी नहीं, फर्स्ट भी नहीं है। पांचवा नियम क्या है? लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म, जीव है पांचवा नियम। और इसका सेकंड एडिशन फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर रघुनाथन की पुस्तक है। इसका जो सेकंड एडिशन आया था, फर्स्ट 1951 में आया था और सेकंड आया था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग के क्वेश्चन है, छोटे कर लेते हैं। बुक्स आर फॉर यूज, तो इसका मतलब क्या है? समय के कार्य, लंबे कार्य घंटे, ताकि किताबों का पूरा प्रयोग हो सके। प्रत्येक पाठक की अपनी पुस्तक है, एवरी रीडर हिज हर बुक, तो इसका मतलब इस ऑप्शन में से आएगा ज्ञान या सूचना का एक्सेस करने की स्वतंत्रता, तो ये ऑप्शन ठीक है। प्रत्येक पुस्तक का अपना पाठक है, इसका सही ऑप्शन है संदर्भ पटल। और ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबगिला इज एक्रोनिम यूज्ड फॉर। एबगिला एक परिवर्णित शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है, किस में उपयोग किया जाता है? तो एनल्स बुलेटिन और ग्रंथालय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पूरा नाम यही है। इसका प्रथम संस्करण कब आया था? तो इसका प्रथम संस्करण 1972 में आया था। एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन नहीं बनता इसका सही, एब्स्ट्रैक्ट बिब्लियोग्राफी भी नहीं है और एनल्स बिब्लियोग्राफी भी नहीं है, ऑप्शन बी ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए पैटर्न में बता रहा हूँ, तो आपको बार बार बताता हूँ कि पैटर्न बहुत टाइप के मेरे पास हैं, कोशिश है आप लोगों को बेस्ट देने की। नया पैटर्न आप देखिए, मैचिंग का नहीं है, कई बार मैचिंग कर लेता है कि इसके जो है ईयर दे दिया और इंस्टीट्यूट दे दिए कि उनको मैच करिए। यहाँ उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पूछ रहा है कि रखिए, अभी जो मैंने ईयर लिखे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। निम्नलिखित ग्रंथालय संघों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार रखें। अरेंज द फॉलोइंग एसोसिएशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। चार ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। आइसलिप, एसलिप, एएलए, एसएलए। हमें एसएलए एसलिप की फुल फॉर्म नहीं पता, एसलिप की नहीं पता। एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है और सबसे पुराना है वर्ल्ड का, तो वो ऑप्शन सही है जिसमें तीन पहले है। लक है आपका, मिल गया सी ऑप्शन ठीक है, जिसमें तीन सबसे पहले है। तो इस तरह से अपनी एनालिसिस पावर भी बढ़ाई है, कई बार पता नहीं होते हुए भी हम क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं थोड़ा धैर्य के साथ सोच करके। अब इनका ईयर देख लेते हैं, तो आइजलिक हमारा 1955 का है, एसलिप 1924 का है, एएलए 1876 का है, एसएलए 1909 का है। तो सबसे लेटेस्ट आइजलिक है, तो सी ऑप्शन में सबसे लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन मतलब सबसे लास्ट में है 1955, लेकिन यह तीन ऑप्शन में है, तो कंफर्म करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका नहीं है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए नहीं है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आप है, पढ़ते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है ना, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की एक क्लासिफिकेशन स्कीम भी है।
अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश, तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका आंसर नहीं है, पश्चिम बंगाल सरकार नहीं है, ना ही गृह मंत्रालय है। कंफ्यूज पता कहाँ होता है, इसमें यही दिया है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय है ना, कहीं कहीं आता है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, तो वहाँ भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अधिकतर जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो हमारे एचआरडी के अंतर्गत आते हैं। '72 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इफला सिचुएटेड, ट्रिपल आर एल एफ का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली नहीं है, चेन्नई, मुंबई नहीं, कोलकाता है। स्थापना वर्ष वही 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is the special features in the evaluation of the criteria of maps and atlas? निम्नलिखित में से मैप और एटलस के मूल्यांकन के मापदंड की प्रमुख विशेषता कौन सी है? सिंथेटिक सर्च नहीं है, साइटेशन नहीं है, ना ही है पब्लिशर की क्रेडिबिलिटी। सही है हमारा ग्रिड सिस्टम, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल फीचर्स इन द इवैल्यूएशन ऑफ द, ये तो हो गया 93। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय शिक्षा विभाग का एक प्रकोष्ठ या सेल है? तो राजस्थान नहीं है, हिमाचल नहीं है, ना ही छत्तीसगढ़ इसका है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम कब पास हुआ था? तो वो पास हुआ था हमारा 2009 में। अंग्रेजी वाला पोर्शन आप लोग देख लीजिएगा, मैं हिंदी का पढ़ देता हूँ। निःशुल्क ग्रंथालय सेवा प्रदान करने के लिए ग्रंथालय कानून पूर्वापेक्षा नहीं है। ऐसे राज्य या संघ क्षेत्र जो बगैर पुस्तकालय कानून के सार्वजनिक ग्रंथालय सेवाओं में उन्नत हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से फिर पढ़ते हैं एक बार और इसको। निःशुल्क ग्रंथालय सेवा प्रदान करना ग्रंथालय कानून की पूर्वापेक्षा है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इज नॉट ए प्री रिक्वेस्ट प्रोवाइडिंग फ्री सर्विस, सत्य है। निःशुल्क सेवा प्रदान करना ग्रंथालय कानून के लिए जरूरी नहीं है ऐसे, क्योंकि वहाँ लाइब्रेरी सेस भी लगता है, इसलिए सत्य है कि निःशुल्क नहीं है। ऐसे राज्य या संघ क्षेत्र जहाँ बगैर ग्रंथालय कानून के ग्रंथालय सेवाओं को उन्नत है या दी जा रही है, तो दी जा रही है क्या है, बी ओ और मतलब बोथ बी ए और आर दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर लाइब्रेरी राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ट, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स 2005 में नहीं हुआ, 7 में नहीं हुआ, नहीं 8 में, ये हुआ था हमारा 2006 में। किस पुस्तकालय अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय पुस्तक प्राप्त करता है? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1957 नहीं है, 85-76 नहीं है, यह डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट
इज प्रोटेक्शन टू खाली स्पेस को बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षा दिया गया है, तो ट्रेडमार्क को दिया है, पेटेंट को दिया है, कॉपीराइट को दिया है। आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। बौद्धिक संपदा कानून क्या होता है? इसका अर्थ मतलब है कि बौद्धिक संपत्ति कानून एक प्रकार के सामानों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। यह कानून उनके निर्माण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देता है, नवाचार को प्रोत्साहित करता है। इसमें कॉपीराइट में क्या क्या शामिल होते हैं दोस्तों? हमारे पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट तीनों शामिल होते हैं। और आपको पता है कि बिना किसी साइंटिस्ट, लेखक, ऑथर के हम कोई भी बुक पब्लिश नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन आगे आएगा तो देखते हैं कि लेखक की मृत्यु के कितने साल बाद तक ये कॉपीराइट रहता है। नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज खाली स्पेस ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? तो डिस्केयर ने, नालंदा नहीं तैयार किया था। देखिए ऑप्शन गलत बता रखा है किताब में, आईएलए भी इसका ऑप्शन। नहीं बनता है। नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता भी नहीं है, डीआरटीसी भी नहीं है। तो फ्रेंड्स बन सकते हैं आईएलए, क्योंकि आईएलए के ही प्रोत्साहन से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट के थ्रू यह नालंदा डेटाबेस तैयार किया गया है। अगर यहाँ नेशनल एनआईटी कालीकट होता तो ज्यादा अच्छा था ऑप्शन। चलिए ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन इतने लंबे होते हैं कि इनको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। उसको हटा देते हैं, नीचे के पोर्शन को थोड़ा बड़ा रखते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है और फ्रेंड्स करते हैं इसको भी। बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह आईएसडी के द्वारा दिया जाता है। एसएम गांगुली अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? हमारा आईएलए के द्वारा दिया जाता है ना। एसपी नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड यह एसोसिएशन ऑफ टीचर्स के द्वारा दिया जाता है, यानी ईआरटीएस के द्वारा। यंग साइंटिस्ट अवार्ड एसआईएस के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पठन सामग्री और संकुल संरक्षण का विशिष्ट संगठन निहार्थ है। तृतीय नियम द्वितीय नियम में नहीं है, ये तो गलत होता ही है, हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन अधिकतर होता है। तो इसका है पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ नियम, राइट आंसर है। और पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ नियम क्या है? पाठक का समय बचाएं। चतुर्थ नियम हमारा कुछ चीजें कवर करता है, डिस्कस कर लेते हैं। यह पुस्तकालय की अनुक्रमणिका और सारकरण से संबंधित है। यह फास्टली सर्विस से रिलेटेड है। स्टैक रूम गाइड का भी इसमें प्रावधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उप परिणाम है। तो मुफ्त पुस्तकालय सेवा नहीं है, पुस्तक मुफ्त सेवा नहीं है, सभी जगह पुस्तकें नहीं है, यह सभी के लिए पुस्तकें हैं। यानी कि प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित
पुस्तक मिलनी चाहिए या डॉक्यूमेंट्स मिलना चाहिए। विच लाइब्रेरी सर्विस एज ए डिपोजिटरी सेंटर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ यूएनओ इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुस्तकालय यूएनओ के प्रकाशनों के हेतु भंडारण केंद्र के रूप में कार्य करता है? तो स्टेट लाइब्रेरी हैदराबाद नहीं करती, ना ही स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी बेंगलोर करती है, करती है कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र संघ के एक न्यासी पुस्तकालय के रूप में काम करता है? तो कोनेमरा भी नहीं करती है, केरल लाइब्रेरी कर्नाटक नहीं, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी करती है, या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में किसके सहयोग से हुई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 27 अक्टूबर 1951 को इसका उद्घाटन किया था। असल में स्टोरीज के पीछे हम बताते हैं कि यूनेस्को एशिया के अंदर प्रोजेक्ट दे रही थी पब्लिक लाइब्रेरी का, तो कहीं मीटिंग थी यूनेस्को की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत कहा कि हम जमीन दे रहे हैं, आप ये लाइब्रेरी दिल्ली में स्थापित करिए। तो ये इसके पीछे स्टोरी है, ये स्टोरी हमें सुनाई थी कोलासर ने, पीएन कोलासर ने यह स्टोरी सुनाई थी। और एनडी भार्गव मध्य प्रदेश के पुस्तकालय क्लासिफिकेशन के बहुत बड़े फेमस प्रोफेसर हैं, वो भी ये बताते थे कि दिल्ली लाइब्रेरी की स्थापना इस तरह से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इस्टेब्लिश्ड बाई, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इनमें से किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, ऊपर भी शायद क्वेश्चन आया था, रक्षा मंत्रालय नहीं है और ना ही है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। देखिए वहाँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं था, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये कन्फ्यूजन कर सकता है, यहाँ आ चुका है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कन्फ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी कौन छापता है? तो वो प्रकाशित करता है हमारा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? तो संसाधनों को बढ़ावा देना नहीं है, पुस्तकालय प्रौद्योगिकी की सहायता नहीं है, ना ही स्तर विकसित है इसका, सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो लास्ट रिवाइज्ड इन द ईयर, यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष संशोधित किया गया था? 1978 में नहीं है, 2009 में भी नहीं है, 2006 भी इसका आंसर नहीं है, 1994 राइट आंसर है। और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस, नेशन नहीं है फ्रेंड्स, एस लगा होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब जारी हुआ था? तो 1948 में, उसका पहला संशोधन 1972 में और अंतिम संशोधन इफला के सहयोग से 29 नवंबर 1994 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, निम्नलिखित में संगठनों में से कौन से सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से जुड़े हैं? तो कई सारे संगठन दे दिए हैं, उनमें से हमें देखना कि पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए कौन कौन सा जुड़ा है। तो इंडिया में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं RRRF जुड़ा है, बी ऑप्शन ठीक है, और बाकी कौन सा जुड़ा है? इनफ्लिपनेट हमारा यूनिवर्सिटी नेटवर्क, DRTC हमारा रिसर्च सेंटर है किसका,
डॉक्यूमेंटेशन है, इसका नाम ही वो है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, लाइब्रेरी साइंस से संबंधित है TRTC। तो बच्चा क्या है फिर हमारा, ये दो नहीं तो तीसरा हमारा यूनेस्को है और RRRF है। तो राइट आंसर है हमारा ए और बी सही है। ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने भी किया है कि यूनेस्को का हमें पता नहीं था, मान के चलते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम करता नहीं करता, लेकिन दो ऑप्शन काम नहीं करते, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन हम जानते हैं कि काम करता है, तो आंसर मिल गया। विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट ए प्राइमरी सोर्स, निम्नलिखित में से कौन से प्रलेख प्राथमिक स्रोत नहीं है, तो पेटेंट्स है, थीसिस है, कॉन्फ्रेंस है, नहीं है तो रेफरेंस संदर्भ पुस्तकें नहीं है, डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग IPR रिलेटेड एक्ट्स, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर्म होती है इन इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित नियमों को उनके अधिनियम वर्ष के अनुसार रखें, तो रखते हैं और ऑप्शन देखते हैं। सबसे पुराना अगर कोई है तो मेरे हिसाब से डिजाइन अधिनियम है, तो वो ऑप्शन सही हो सकता है जिसमें बी पहले हो, और सबसे लेटेस्ट सूचना प्रौद्योगिकी सबसे बाद में बना था, तो या ऐसे करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी जिसमें सबसे बाद में हो, तो फ्रेंड्स सी जिसमें बाद में हो, तो वो दो ऑप्शन बचे हैं यानी, तो सी हाँ तीन में है, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं, सी जिसमें तीन में है सबसे लास्ट में वो ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन बचे हमारा ABC। अब देखते हैं कि सबसे पुराना कौन सा था, तो डिजाइन एक्ट 1911 का है, तो बी ऑप्शन ठीक है, बाकी ये सब कट गए हैं। तो कॉपीराइट अधिनियम जो है हमारा 1957 है, डिजाइन एक्ट हमारा 1911 है, सूचना एक्ट 2000 है और ट्रेड एक्ट 1958 है। क्वेश्चनों का स्तर पूछ लिया जाता है थोड़ा टिपिकल करके, चेंज हो रहा है पैटर्न। सफलता की सीढ़ी चढ़ने में प्रबंधन एक दक्षता है, सत्य है ये, नेतृत्व ये निर्धारित करता है कि क्या पीढ़ी सही दीवार से लगी है, सीढ़ी सफलता की सीढ़ी चढ़ने का प्रबंधन एक दक्षता है, सत्य है, तो दोनों ऑप्शन ठीक है। प्रबंधन महत्वपूर्ण है, क्यों, प्रबंधन प्रदर्शन विश्लेषण करता है, बजट भी बनाता है, लागत विश्लेषण भी करता है, सभी चीजें सही है। प्रबंधन में फ्रेंड्स तीन या चार लोगों का ज्यादा महत्वपूर्ण है, बोलबाला है, कौन है, W.F. टेलर है पहला, उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि क्या करना है प्रबंधन, उनकी जो परिभाषा है क्या है कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने में सर्वोत्तम सुलभ तरीका क्या है। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन का अर्थ बताया कि पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना और नियोजन करना है। हेरोल्ड कुंज भी बहुत फेमस है, कोटेज, हेरोल्ड कोटेज भी बोल सकते हैं लोग इसे, कुंज भी बोलते हैं। प्रबंध उनके अनुसार क्या है कि प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ तथा उसके द्वारा काम करवाने की एक कला है। विच ऑफ द बजट मेथड सिंथेसिस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव एंड द मेजरमेंट ऑफ द रिजल्ट, अंग्रेजी में मेरे से हो सकता है प्रोनाउंसिएशन सही ना हो तो आप लोग ध्यान रखिए, हिंदी भी इसलिए बहुत जरूरी है। बजट निर्माण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि में कार्यक्रम उद्देश्य तथा परिमाणों के मापन की पहचान पर बल दिया जाता है, तो PPZBBS नहीं दिया जाता, ना ही लाइन बजट और ना ही मध्य बजट, वह PPPS। इसका मतलब क्या है,
प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम पूरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ बजट, निम्नलिखित में से बजट बनाने की विधि नहीं है। तो लाइन बजट भी होता है, जीरो भी होता है, परफॉर्मेंस भी होता है, अगर नहीं है तो वह है हमारा क्रॉस्ड बजट, ये तकनीक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, निम्नलिखित में से मार्केटिंग मिक्स का उत्पादन कौन सा नहीं है। नहीं है तो जन नहीं है, खरीद पावर नहीं है। अगर है मार्केटिंग मिक्स का कौन सा उत्पादन है, तो वो है हमारा पदार्थ या प्रोडक्ट है। क्या क्या है इसमें, पदार्थ है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS गिव्स इंफॉर्मेशन, सूचना प्रबंधन प्रणाली में सूचना प्रदान की जाती है गुणवत्ता की जांच करने के लिए, नहीं प्रॉपर उचित निर्देश देने के लिए बजट, बल्कि क्या डिसीजन मेकिंग के लिए या निर्णय के लिए। इसका सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन हैज टू बी इंट्रोड्यूस बाई द डॉक्टर SR रंगनाथन, अर्थात डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा कितने प्रकार के अंक प्रतिपादित किए गए हैं। तो डॉक्टर रंगनाथन ने अंकन कितने प्रकार के दिए हैं, 5 तो नहीं दिए थे, 4 भी नहीं है, मुझे याद 3 भी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है 2 अंकन कौन कौन से थे, एक था हमारा प्योर, दूसरा था मिक्स, है ना। शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन डॉक्टर रंगनाथन ने दिए थे। शुद्ध अंकन का उदाहरण क्या है, 0 से लेके 9 तक, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हैं। और शुद्ध अंकन का DDC है। मिश्रित अंकन में है जैसे 0 से 9, A से कैपिटल Z और स्मॉल A से कैपिटल Z, और बाकी वो %, -, इस तरह के जो प्रयोग किए जाते हैं वो सब मिश्र अंकन के उदाहरण हैं, मिश्रित अंकन के, मिक्स्ड नोटेशन। डिस्प्ले रैक्स आर जनरली विस्ट ऑफ द टाइप, प्रदर्शन रैक्स हमारे तक किस किस प्रकार की होती है। तो एक मुखी, बहुमुखी नहीं होती, वुडन स्टील इसमें हम नहीं काउंट करते हैं, ये आंसर भी नहीं है। होते कबूतर खाना नुमा, सीढ़ी नुमा, झुका वाली, पिजन होल टाइप, स्टेप टाइप और इनक्लाइंड। पिजन होल के 2 भाग होते हैं जिनकी चौड़ाई होती है 180 सेंटीमीटर और ऊंचाई होती है 225 सेंटीमीटर होती है। इन विच ईयर क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG वाज फाउंडेड इन इंग्लैंड, किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह की स्थापना की गई थी। तो 1950-55 इसका आंसर नहीं, ना ही 1958 में की गई थी, तो 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। CRG का महत्वपूर्ण पुस्तकालय विज्ञान और में स्थान है। अगला क्वेश्चन है, UDC इन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन एब्रीगेटेड इंग्लिश थर्ड एडिशन सिंबल डबल इन्वर्टेड कॉमा इंडिकेट्स, सार्वजनिक पुस्तकालय वर्गीकरण है जो संक्षिप्त एडिशन है इंग्लिश में तीसरा संस्करण, उसमें इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या शो करता है। तो यह रिलेशनल चिन्ह नहीं करता है, ना ही कॉमन ऑग्जिलरीज है, ना ही कॉमन ऑग्जिलरीज फॉर रेस एंड नेशनल, ये करता है कॉमन ऑग्जिलरीज फॉर टाइम, टाइम फेसिट है। इंडियन प्रेस इंडेक्स का क्वेश्चन है,
इंडियन प्रेस इंडेक्स के प्रकाशन की शुरुआत की गई थी। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने नहीं की थी, ना ही पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन और ना ही दिल्ली स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये थी दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन ने की थी इसकी शुरुआत। और दिल्ली एसोसिएशन के पब्लिकेशन, दो ही पब्लिकेशन है, एक है लाइब्रेरी हेराल्ड जर्नल जो 1958 का है और इंडियन प्रेस इंडेक्स ये 1968 का है जो प्रेस इंडेक्स है। और दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की अगर बात करते हैं तो 10 मार्च 1939 को हुई थी। आजादी से पहले विच जनरल जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर इज रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कंसेप्ट, कृत्रिम बुद्धिता का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर की स्पीड से संबंधित हैं। तो दूसरी, पहली में क्या था हमारा वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में आया था IC, कौन सी में आया था VLSI, चौथी में था, तीसरी में शायद वो था IC, VLSI चौथी में, पांचवी में था हमारा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब पांचवी पीढ़ी का काल क्या माना जाता है, 1989 से लेकर वर्तमान तक, 1989 से करंट तक हमारा पांचवी पीढ़ी चल रही है। Which of the following are the reference style management? निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ प्रबंधन प्रणाली है? देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए तो इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा आंसर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन कौन से हैं हमारे, रेफरेंस वर्क है, रेफ वर्क, मेंडले है, मेंडले का पूरा नाम है मेंडले एंड नोट, और जोटेरो है। ठीक है, अगर नहीं है तो इसमें जो बचता है हमारा स्टाटा नहीं है, स्टाटा और SPSS और SAS और R, ये क्या है, सांख्यिकी सॉफ्टवेयर हैं। बी ऑप्शन ठीक है। तो आज के वीडियो के क्वेश्चंस कैसे लगे, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक नमस्कार।